नमस्कार, बिंदास क्रिकेट में आपका स्वागत है। मैं हूं विमल मोहन और मेरे साथ हैं क्रिकेट के कई माहिर जानकार। आज बिंदास क्रिकेट में सबसे पहले क्रिकेट की दो ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जो आपका दिल बाग बाग कर देंगी। ये दोनों तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। एक तस्वीर में मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या की है तो दूसरी ऋषि सुनक की। ब्रिटेन के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हार्दिक पांड्या पूजा पाठ करते हुए दिखाई दे रहे हैं सोमनाथ में और ऋषि सुनक नेक्स्ट जनरेशन के लिए बैटिंग करते हुए। और एक नजर डालते हैं मैच पर। लगातार तीन हार के बाद मुंबई के हार्दिक पांड्या ने तो पूजा पाठ किया और ऋषि सुनक ने वहां पर बैटिंग की, लेकिन इसके बाद जो कल रात जो मैच हुआ वो बहुत ही दिलचस्प मैच और रोमांचक रहा। T20 के इस रोमांचक मैच में हैदराबाद ने चेन्नई को 6 विकेट से हराया। चेन्नई ने हैदराबाद को 166 रनों का लक्ष्य दिया जिससे हैदराबाद ने 11 गेंद रहते हासिल कर लिया। चेन्नई के लिए शिवम दुबे एक बार फिर चमके। शिवम ने 24 गेंदों में 45, रहाणे ने 35 और जडेजा ने 31 रन बनाए। हैदराबाद के लिए माकरम ने 36 गेंदों में 50, युवराज सिंह के चेले अभिषेक शर्मा ने 12 गेंदों में 37 रन बनाए। अभिषेक ने आखिरी ओवर में 27 रनों की तूफानी पारी खेली। और इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान हैं। सबसे पहले हम अपने स्टूडियो में शुरुआत करते हैं। साक्षी, कल रात ने आपने जो वो मैच देखा अभिषेक शर्मा और युवराज सिंह के चेले। जी सर, मैं अभिषेक शर्मा की तो तारीफ करनी ही चाहिए, लेकिन ये मैच मुकेश चौधरी के लिए हमेशा के लिए यादगार बन गया है। 27 रन उन्होंने खाए हैं, आते ही इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में वो आए थे और उन्हें अभिषेक शर्मा ने क्या मारा है सर, मैं देखते हुए शॉक्ड हो गई थी। और हमारे साथ राजेश चौहान है। राजेश सर, बहुत सारे अननोन जो अनकैप्ड प्लेयर हैं गुमनामी में थे, मयंक यादव, अभिषेक शर्मा, ये जो T20 लीग है ये मतलब गुमनामी से नामचीन बना रहा है रातों रात और बेहतरीन पारियां खेल रहे हैं। नहीं, ये शुरू में हम लोग को ऐसा लग रहा था कि भाई हम खुद ही अपने लोग बात कर रहे हो कि विमल जी अगर याद हो कि भाई हमारी नेक्स्ट जनरेशन क्या, नेक्स्ट हमारा बैंक बेंचर जो हमको चाहिए उसकी क्या। और अचानक से देखेंगे कि 2-3 मैचों के बाद हर मैच में से एक या दो ऐसे प्लेयर जिनको हमने 2-3 साल से हम सोच रहे थे कि इनको मौका मिलेगा और इस बार इस साल मिल रहा है और वो सारे परफॉर्म कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है और ये अच्छी बात है कि 2-3 साल का उनको ऐसा अनुभव भी हो गया है और वो अनुभव का वो पूरा यूज कर रहे हैं और वो अपने इसमें अपने जब भी मौका मिल रहा है तो वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और ये हम हिंदुस्तान की टीम के लिए भी अच्छा है कि इतना कंपटीशन हो जाएगा। मैं समझता हूं कि वर्ल्ड कप से पहले इस टूर्नामेंट के बाद सिलेक्शन के लिए, कि सेलेक्टरों के लिए कुछ मुश्किलें होने वाली हैं कि हम किस प्लेयर को कहां पर एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। और प्रखर हमारे साथ हैं सर। प्रखर, बड़े जो यंगस्टर्स हैं उन पे बड़ा दांव लगा रहे हैं लगातार। जी, मैं यंगस्टर्स पे भी दांव लगाता हूं और मैं हमेशा से हैदराबाद को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था मैं अंडरडॉग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ और मैं क्योंकि लखनऊ का हूँ तो थोड़ा सा एक आप कह लीजिए बायसनेस लखनऊ की टुवर्ड्स भी आ जाती है। तो लखनऊ से हमको मयंक यादव मिले हैं जो एकदम यंग एंड ब्लेजिंग गन्स हैं जिसकी हम चर्चा हर शो में अक्सर कर ही लेते हैं, पिछले हम 2-3 मैचेस से कर रहे हैं। और अभिषेक को तो खैर बहुत सारे मौके पहले भी मिले थे लेकिन इस सीज़न कुछ अलग बात है। तो ऐसा क्या अलग है, कोई भी जवाब दे दे इसका कि इस सीजन क्या अलग हो रहा है। बिल्कुल वैशाली, एक तो अभिषेक और दूसरी बात है हैदराबाद के लिए। देखिए, जब रेड पिच रेड सॉइल मिली तो सबसे ज्यादा रन बना दिए 277, जब ब्लैक सॉइल मिली तो गेंदबाजी भी स्लोअर बॉल का बहुत इस्तेमाल किया और बैट्समैन भी मतलब बहुत संभाल कर खेले। उनका जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है वह एंकर की तरह टिका नहीं, एक मार रहा है ट्रेविस हेड रोक रहे हैं तो अभिषेक शर्मा लगातार मार रहे हैं। अब जो हैदराबाद की टीम है जैसे बोल रहा है, जैसे प्रखर भी कह रहे हैं, सबसे बैलेंस टीम की तरह से उभर रही है। जी बिल्कुल, अभी अभिषेक शर्मा ने बहुत ही अच्छी 11 बॉलों में उन्होंने बहुत ही अच्छा स्कोर किया था, उन्होंने 37 रन बनाए और उसके साथ साथ यही नहीं, उनको युवराज शर्मा की कहा जा रहा है कि युवराज शर्मा की झलक भी दिखाई दे रही है ऐसा बोला जा रहा है अभी उनके ये रन्स बनाने के बाद। और उसके साथ साथ मैं अगर बात करूँ ना अभिषेक शर्मा की, तो उन्होंने SRH में सबसे हाईएस्ट फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी बनाई है उन्होंने और उन्होंने बिल्कुल, बिल्कुल।
बिल्कुल वैशाली, हमारे साथ आप अभिषेक की बात करें, अभिषेक के पिताजी और कोच राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजकुमार जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और बहुत बड़ा दिन है, बहुत लगातार बेहतरीन पारियां खेल रहे हैं। अभिषेक, आपको क्या लगता है, जैसे उन्हें मतलब पहले के मैचेस में लोअर ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर में उतारा जाता था, जो हैदराबाद ने जो एक्सपेरिमेंट किया है टॉप ऑर्डर या फर्स्ट डाउन लाने का, उसकी वजह से सारा उनका गेम बदल गया है? पहले तो मैं सबको नमस्कार करता हूँ, और जो आपने बोला है कि वो बैटिंग मिडिल ऑर्डर में कर रहा था, लेकिन वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं था, वो ओपनर बैट्समैन है, और स्टार्ट से अंडर 14 से लेके वो ओपनर ही ओपनिंग में करता है और ओपन खेलता है। ये ऊपर वाले ऑर्डर में बैटिंग करता था, लेकिन पता नहीं बाद में अंडर 19 वर्ल्ड कप में क्यों इसको नीचे भेजा, और ये ओपनर बैट्समैन है। अब सर, आपसे मेरी जब बात हो रही थी, आप बता रहे थे कि इस बार उन्होंने बहुत अलग और बहुत ही खास मेहनत की है, उसके बारे में लोगों को जरूर पता होना चाहिए। युवराज सिंह उनकी जबरदस्त तारीफ कर रहे हैं और हर मैच पे उन पे बारीक नजर रखे हुए हैं। इस साल तो अभिषेक ने इतनी मेहनत की है कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो सुबह 4 बजे उठ के इतनी मेडिटेशन, रनिंग, एक्सरसाइज, साइकिलिंग, जिम, स्विमिंग, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, हर टाइम वो रात रात पड़ जाती थी, लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं खत्म होती थी। और ये युवराज सिंह का इतना योगदान है, मैं बता नहीं सकता कि युवराज सिंह ने इसको इतनी ट्रेनिंग कराई, सारी टीम इसके पीछे लगाई हुई थी कि कोई इसको जिम करा रहा है, कोई रनिंग करा रहा है, कोई इसको एक्सरसाइज करा रहा है, कोई इसको बैटिंग करा रहा है, कोई बॉलिंग करा रहा है। युवराज सिंह खुद इसके ऊपर खड़े होकर इसको बैटिंग देखते थे और इसके गलतियां निकालते थे, और जो भी इस टाइम इम्प्रूवमेंट आई है युवराज सिंह की वजह से आई। सर, मेरा एक बहुत ही छोटा सा सवाल है, 2019 से हम अभिषेक को देखते आ रहे हैं, हैदराबाद में हैं, छोटी छोटी पारियां उन्होंने पहले भी खेली हैं, ऐसा नहीं है कि इस सीजन ही उन्होंने कमाल करके दिखाया है, लेकिन इस सीजन कुछ तो अलग हुआ है। और क्या इतने सालों से, अब 2024 में आ गए हैं हम, इतने सालों से जो हैदराबाद टीम का जो मैनेजमेंट है वो मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा बैक करता है अभिषेक को, बहुत अच्छी बात है, तो क्या मैनेजमेंट को लेकर कुछ चर्चा होती है आपसे कि टीम मुझे बहुत बैक कर रही है और उन पर मुझे भरोसा है, मुझे कुछ करके दिखाना है, ऐसा कुछ बातचीत होती थी आपकी क्या? सर, ऐसा तो वैसे भी अभिषेक को बहुत पसंद करती है और इसको बहुत बैटिंग के लिए बहुत बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा बैट्समैन है। जब से पहले ब्रायन लारा भी पिछले साल आए थे, उन्होंने बहुत इसके ऊपर काम किया, उन्होंने भी बहुत इसके ऊपर मेहनत की, और उन्होंने ये बोला कि ये इतना अच्छा बैट्समैन है कि मेरे को तो लगता है ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, ये आने वाले टाइम में हिंदुस्तान का नाम ऊंचा करेगा, ब्रायन लारा जी ने बोला था। और वो इनको, अभिषेक को हर टाइम बैटिंग अपने गुर बताते थे कि मैं कैसे बैटिंग करता था, मैं कैसे लंबी स्कोर करता था, अभिषेक को हर टाइम बताते रहते थे। तो SRH का बहुत अभिषेक के ऊपर बहुत योगदान है कि उन्होंने इसको अपने बैटिंग ऑर्डर पे इसको लेके आए और इसने इस साल अपनी बैटिंग दिखाई। सर, मेरा आपसे सवाल है कि मैं युवराज सिंह की भी बहुत बड़ी फैन हूँ और अब मैं धीरे धीरे अभिषेक शर्मा की भी बहुत बड़ी फैन बनती हुई जा रही हूँ, तो युवराज सिंह अभिषेक शर्मा की तारीफ तो करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनको अपने ट्वीट्स के जरिए डांटते हुए भी नजर आते हैं अगर वो गलत शॉट खेल देते हैं। जैसे मुंबई के खिलाफ उन्होंने बोला कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और अभी भी बोला कि क्या व्हाट अ स्प्लेंडिड शॉट टू गेट आउट ऑन, तो उनके रिलेशनशिप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनका रिलेशन तो इसके साथ जैसे इसको तो अपना बेटा ही समझते हैं और बहुत प्यार करते हैं। वो इसलिए बोलते हैं कि मैं अभिषेक तू 100 कर 200 कर, तू ऐसा बैट्समैन है, तू आउट नहीं हो सकता, तेरे को गलत शॉट मत मारो, और वो उस पर डांटते हैं कि तू अब लंबी स्कोर लेके जा और टीम को जिताना है, वो इसलिए डांटते हैं और इसको साथ प्यार भी बहुत करते हैं और इसकी गलतियों पर माफ नहीं करते इसको। बिल्कुल राजेश, ये बहुत बड़ी बात है कि युवराज सिंह जितना बड़ा प्लेयर इस खिलाड़ी को बैक कर रहा है, आपको इनमें युवराज की कहीं छवि दिखती है? कहीं ना कहीं मैं सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें खूब वायरल हो। बिल्कुल, कहीं ना कहीं क्या, करीब करीब ऑलमोस्ट क्या होता है, आप देखिए क्या बात, युवराज के अगर आप इंटरव्यूज देखें तो उसके पीछे भी उसके फादर ने बहुत मेहनत की है, और वो कहीं ना कहीं अपने फादर से नाराज था जब वो छोटा था, बाद में उसको समझ में आया कि फादर ने उसको क्या चीज दी है।
सचिन तेंदुलकर के बेटे को अर्जुन तेंदुलकर को भी आप ध्यान दें तो युवराज के फादर ने किस ढंग से उनको तैयार करने की कोशिश की। अब युवराज ने अगर किसी के लिए अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो वो कहीं ना कहीं उस चीज को लेके चल रहे हैं, चाहे वो डांट करके, एक इंस्पायर करने का तरीका होता है कहीं पर कुछ बोल करके, कहीं कुछ डांट के, किसी को प्यार से, किसी को कुछ, तो ये सब सब कोचेस का एक अपना स्टाइल होता है और उसी में युवराज कर रहे हैं। और युवराज मैं जानता हूँ वो उसको इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि जिस दिन ये जीरो पे आउट हो गया शायद उससे बात भी ना करें, ये भी बता दे रहा हूँ। ये चीज कहीं ना कहीं शर्मा जी को भी समझनी पड़ेगी। शर्मा जी आपको बधाई हो बेटे की, बहुत अच्छा कर रहा है। उम्मीद करता हूँ कि वो, मैंने तो पहले ही कहा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप में इस बार जो भी सिलेक्शन हो उसमें नेक्स्ट जनरेशन हमारी सामने आए और सिलेक्टरों के लिए जितनी परेशानी या जितना कंपटीशन रहेगा उतनी टीम हमारी अच्छी बनेगी। राजकुमार सर, एक जो उनमें सबसे खास बात जो इस सीजन आपको जो दिखी है, जो पिछले सीजन नहीं दिखी थी, वो उसको कैसे डिस्टिंग्विश करना चाहेंगे, क्योंकि अभिषेक का इस लगातार पारियां अच्छी खेल रहे हैं। सर उसने इस साल मेहनत ही बहुत ज्यादा की है और मैं उसमें इतना कॉन्फिडेंस देखा था कि मेरे को बोल के गया था घर से कि पापा इस बार मैं आपको अपनी बैटिंग दिखाऊंगा इस आईपीएल में। और मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी इसने हाईएस्ट रन किए इंडिया के, और उसमें भी मेरे ख्याल दो दो तो 100 किए और 4 50 की थी, और मैन ऑफ द सीरीज आया था ये मुश्ताक अली ट्रॉफी में, और हिंदुस्तान की सबसे लीग है वो BCCI की, उसमें नंबर 1 पे आना बहुत बड़ी बात है और इस साल उसकी मेहनत ही उसको आगे लेके आया। सर बल्लेबाजी पे तो बहुत ज्यादा ही फोकस है, वो तो अच्छा ही कर रहे हैं, पर गेंदबाजी भी, पिछले मैच में पहला ओवर डलवाया था, तो क्या गेंदबाजी पे भी कुछ ऐसा स्पेशल फोकस होता है, जोर वोर देते हैं ज्यादा गेंदबाजी पर भी? सर बॉल भी बड़ा अच्छा डालता है, लेकिन अभी टीम को जैसे जैसे उसकी जरूरत पड़ेगी बॉल करेगा, लेकिन वो बॉलिंग में भी बहुत अच्छी बॉल डालता है और मेरे को लगता है कि आगे एसआरएच उसको बॉलिंग भी पूरा कराएगी। वैशाली ने इस बात को शुरू की थी कि उनकी छवि युवराज से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है, आप वैशाली इस जैसे प्लेयर को अगर मतलब यही ट्रेंड रहा कहां तक जाता हुआ देखती है? मैंने युवराज के साथ कंपैरिजन किया, बट सर ने उसको पूरा किया कि युवराज सिंह ने उसको ग्रूम किया है क्रिकेट के अंदर, ये बात बिल्कुल सही ब्रायन लारा ने किया, तो ये बिल्कुल मैं उसी बात पे आने वाली थी बट सर ने वो बात पूरी की। बट मुझे ये लगता है कि सिर्फ यही नहीं, अभिषेक शर्मा ने ट्रेविस सेट का भी स्कोर जो रिकॉर्ड था वो भी तोड़ा था, तो उस ये एक सिर्फ एक आईपीएल में ही नहीं, उन्होंने काफी जगहों पे रिकॉर्ड भी तोड़े हैं और काफी स्कोर भी किया है, तो ऐसे मेरे को लगता है कि इंडिया टीम के जो सिलेक्टर्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो रही हैं, जैसे कि बहुत सारे रियान पराग हो गया, मयंक यादव हो गए, ये हो गए, शशांक सिंह हो गए, तो इन सब के बीच में किसको रखना है, वर्ल्ड कप में आने वाले वर्ल्ड कप में कौन प्लेयर खेल जाए, ये भी बहुत बड़ी चैलेंज है सिलेक्टर्स के लिए। बिल्कुल, ये अच्छा हेडेक है, अगर इस तरह का हेडेक सेलेक्टर्स के पास होता है तो कहीं बेहतर है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार हैदराबाद की टीम जिस तरीके से वो अपने आप को एडाप्ट कर रही है वो बहुत खास बात दिखती है राजेश भाई। और आप सबसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद बातें करते हैं अगले वाले में आने वाले मैच। बिंदास क्रिकेट में आपका फिर से स्वागत है। T20 लीग में आज राजस्थान और बैंगलोर के बीच मुकाबला होना है, दोनों टीमें आमने सामने 30 मैच खेल चुकी हैं, 30 में से 15 मैच बैंगलोर की टीम ने जीती है, 12 मुकाबले राजस्थान के नाम हुए हैं और 3 मुकाबलों का कोई नतीजा नहीं निकला। और हम चलते अपने मेहमानों के पास। सबसे पहले राजेश सर, स्टैटिस्टिक्स जो भी कहे, जो बैंगलोर की हालत है वो फिर ढाक के 3 पात, एक मैच जीती फिर उसके बाद फिर से हार के, क्या जानना चाहते हैं आप मेरे से ही बुलवाओगे सारी चीज, कोई बात नहीं। एक बात बताता हूँ आपको, आज जो है ना, आज बैंगलोर का वक्त, आज आज उनके पास सही वक्त है, अगर आज वो अपना पूरे डिपार्टमेंट को सही ढंग से अगर वो लेके चलते हैं, उनके वो बैट्समैन मैक्सवेल डुप्लेसी ये जितने भी इनके फॉरेन प्लेयर्स हैं, अगर आज ही अगर क्लिक नहीं करेंगे तो इनके पास समय नहीं रहेगा आगे जा करके कमबैक करने। तो मेरे ख्याल से कोहली इस बात को समझ रहे होंगे, डुप्लेसी भी समझ रहे होंगे, तो आज बैंगलोर जो है वो अलग मूड में ही दिखेगी, ये आप देख लीजिएगा। और आरआर जो है
उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की है, मैं मानता हूँ, मैं ये नहीं बोलता कि उन्होंने कोई गलत वो चल रहे हैं, संजू ने बहुत अच्छी मेहनत की है, पराग है, सब कुछ है, लेकिन आज इनका जो मोड है वो डिफरेंट रहेगा, इनका जो मोड है वो है ही, वो तो चल ही रहा है मैं इसके, लेकिन इससे स्पीड इनकी ज्यादा रहेगी और जीत में मेरी तरफ से आज मैं इनके साथ हूँ, कोहली के जी के साथ बिल्कुल लगा हुआ। हमारे तो सहयोगी भी सर पिंक पहन और एक चीज बता दो, और एक बता दो विमल भाई, एक बात और बता दो कि अगर आज अगर आज अगर आज अगर कोहली टीम ने ये नहीं किया ना, तो ये मैच टूर्नामेंट बहुत थोड़ा सा हल्का भी हो जाएगा, क्योंकि ये टीम बाद में वापस नहीं आ पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे भी मतलब बॉटम की टीम बनी हुई है वो, तो जाहिर तौर पे उनके लिए कमबैक का है। बैंगलोर विराट कोहली तो खुद पर्सनली तो अच्छा खेल ही रहे हैं, मसला तो गेंदबाजी का हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो राजस्थान की कोई चर्चा नहीं कर रहा है वैसे, लेकिन दूसरे स्थान पर है, 3 में से 3 मैच जीत चुके हैं। अक्सर हर सीजन में ये टीम ऐसे चुपके चुपके से ऊपर आ जाती है, कोई ज्यादा शोर शराबा नहीं होता, कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती, और सडनली आपको लगेगा कि वाह टॉप 4 में आ गई ये टीम, तो बहुत अच्छा खेल रही है। पर ये हर सीजन इनका लगभग ऐसा ही रहता है, रियान पराग को ऊपर खिला के क्या अलग ही पूरा सब कुछ चेंज हो चुका है वहां पे फॉर्मूला पूरा। बटलर भी फॉर्म में नहीं है, लेकिन रियान पराग ने कमी खलने नहीं दिए। वहीं पे बोल्ड भी पिछले मैच में फॉर्म में आ गए। राजस्थान पे मतलब थोड़ा सा हम उस पर चर्चा करते हैं कि क्या है उस पर, राकेश राजेश सर आप ही बताइए। देखिए राजस्थान जैसे आपने कहा ना बहुत शांतिपूर्वक चल रही है और बहुत जल्दी उन्होंने लय को पकड़ लिया सारे डिपार्टमेंट, उनके पास स्पिन बहुत अच्छे हैं, नेचुरल है। अगर आप अश्विन से लेकर अश्विन की जो टीम है, तीन स्पिनर बहुत अच्छे हैं उनके पास, बोल्ट है, बोल्ट के साथ जो दूसरे मीडियम पेसर है वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है। बैटिंग में संजू ने खुद रन किया है, यान पराग ने तो मतलब ऐसा किया कि शुरू में अगर आप देखें तो हम उसके पहले दोनों मैचों में पराग 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 ही चल रहा, पूरी जगह वही बातें हो रही। मैंने पहले भी कहा कि अच्छी बात है कि हमारे वो जूनियर्स जिनके ऊपर हमने कई सालों से नजर जमा के बैठे थे और आज वो परफॉर्म कर रहा है, तो अच्छी बात है। और राजस्थान में वक्त बहुत कम है, वैशाली और साक्षी से राजस्थान पे एक एक वर्ड। मेरा सवाल ये है कि मैं तो राजस्थान को सपोर्ट कर रही हूँ, आज पिंक भी पहन के आई हूँ, तो मेरा सवाल ये है कि बैंगलोर में बल्लेबाजी तो है, मैक्सवेल भी धीरे धीरे आ जाएंगे फॉर्म में, क्योंकि ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम तक आउट ऑफ फॉर्म नहीं रह सकते, लेकिन बैंगलोर की गेंदबाजी के ऊपर बहुत कई सवाल है। वैशाली वैशाली शॉट में बैंगलोर की गेंदबाजी, बैंगलोर की अगर गेंदबाजी की बात करें ना, तो उनके जो दूसरी टीम अपोनेंट है, जो उनकी दूसरी अगेंस्ट खेलती है टीम, उन पे प्रेशर नहीं बना पाती है, तो वो सबसे मेन उनको प्रेशर बनाना बहुत जरूरी है, अपनी अगेंस्ट के लिए दबाव बनाना बहुत जरूरी है। वैशाली हमारे पास वक्त बहुत कम है और ये उनका परपेचुअल प्रॉब्लम है, लंबे सीजन से प्रॉब्लम है, देखते हैं आज बैंगलोर की टीम उससे निकल पाती है या नहीं। और लेना पड़ेगा हमें एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। आप सभी मेहमानों का बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच।